वहीं भोपाल में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने महाशिवरात्रि पर नए बंगले में उन्होंने गृह प्रवेश किया। उनका बंगला B7 जहां पे सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ हुआ। पूरे घर को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया। प्रहलाद पटेल ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सपरिवार नए घर में प्रवेश किया। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और ऐसे में पूरे देश के साथ साथ ही पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी एक तरफ मंत्री मोहन यादव अपने गृह क्षेत्र में अखंड रामायण की पाठ करा रहे हैं, अपने गृह में धूमधाम शिवरात्रि के धूम में रंगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी आज अपने नए बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं और गृह प्रवेश की पूरी तैयारियां संपन्न हो चुकी हैं। फूल मालाओं से घर को सजाया गया है, जहां दूसरी तरफ अखंड रामायण का पाठ भी हो रहा है और पूरे भक्ति में लीन है शिवरात्रि के पावन पर्व पर। हमारे साथ खुद प्रहलाद पटेल जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, पहले तो बहुत बधाई है आपको भी, शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नए घर में सर आवंटित हुआ है, उसके लिए आज गृह प्रवेश होने जा रहा है, किस प्रकार से क्या? सबका एक परंपरागत तरीका भी है। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है, अखंड रामायण का पाठ है, तो आज भगवान आ गए, कल सब लोग भी आ जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी उज्जैन में हैं, बीडी शर्मा जी अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और आप भी अपने नए घर में। एक तरीके से देखा जाए तो पूरे भक्ति में, पूरा प्रदेश भक्ति में है महाशिवरात्रि की इस धूम में। मैं अभी दमोह में बांदकपुर में जागेश्वरनाथ कि हमने अभिषेक करने के बाद मैं आया हूँ जिले, तो स्वाभाविक है महाशिवरात्रि है तो शिव शक्ति है, शिव सौंदर्य है, शिव प्रकृति के नियंता है, कर्ता धरता है, तो स्वाभाविक है कि शिव तत्व के प्रति हम सबको अपना नमन प्रकट करना ही चाहिए। तो स्वाभाविक है, हम भाग्यशाली है कि हमें करने का अवसर मिल रहा है। कहा जा रहा है कि सर बीजेपी की जो दूसरी सूची आ रही है उसमें छिंदवाड़ा से आपको प्रत्याशी बनाया जा रहा है सर। आज तो महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं आप सबको, हर हर महादेव। पूरी तैयारी है सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हुए प्रहलाद पटेल जी कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है, तो निश्चित ही वो छिंदवाड़ा में भी इस बार फतेह हासिल करेंगे और प्रदेश की 29 की 29 लोकसभा सीटों में भाजपा का परचम लहराएगा। इससे इतर आज महाशिवरात्रि पर वो अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और इसके बाद उनका नया पता सिविल लाइन्स B7 बंगला होगा। कैमरामैन अरविंद के साथ दुर्गेश गुलचन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।